हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं कुछ अलग सी वीडियो लेके आई हूँ। ये साफ सफाई से रिलेटेड वीडियो है। ये मेरी तांबे की बॉटल है और काफ़ी लंबे टाइम से मैं इसे यूज़ नहीं कर रही थी और रखे रहने की वजह से ये अंदर से इतनी ज़्यादा काली हो गई है, क्योंकि मैंने इसे साफ़ करके नहीं रखा था इसलिए ये अंदर से काली हो गई है। बाहर से साफ़ करना तो थोड़ा सा आसान रहता है, लेकिन बॉटल अंदर से साफ़ करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं आज आप लोगों के लिए ऐसी ट्रिक लेके आई हूँ जिससे आप बिना मेहनत के बहुत आसानी से इस बॉटल को साफ़ कर पाएंगे। अगर आपके पास भी ऐसी बॉटल है और इस तरह से गंदी हो रखी है तो मेरा वीडियो ज़रूर पूरा देखिए। बॉटल साफ़ करने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ 1.5 चम्मच सिट्रिक एसिड लिया है। इसे टार्टरी भी कहते हैं और ये आसानी से मार्केट में मिल जाता है, ऑनलाइन में बहुत आसानी से मिल जाता है। इसके साथ साथ मैंने यहाँ 2 चम्मच सादा सफ़ेद नमक लिया है। इन दोनों चीज़ों को पानी डालकर अच्छा सा घोल तैयार कर लेंगे। ये जो मिक्सचर हमने तैयार किया है ये काफ़ी पावरफुल मिक्सचर है और इससे ये बॉटल आसानी से साफ़ हो जाएगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मिक्सचर कितना पावरफुल है। सिर्फ हल्का सा लगाते ही बॉटल अपने आप कितनी अच्छी तरह से साफ़ हो रही है। और ये जो हमने मिक्सचर बनाया है, ये मिक्सचर हाथों के लिए भी एकदम सेफ़ है और इससे कोई एलर्जी नहीं होती है। अगर आप ऑलरेडी किसी चीज़ से एलर्जिक हैं तो आप ग्लव्स पहन के भी इसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये हाथों के लिए एकदम सेफ़ है तो आप इसे हाथ से भी यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए बॉटल को साफ़ कर लेते हैं। ये जो मिक्सचर हमने बनाया है इसे बॉटल के अंदर डाल देते हैं और फिर सिंक की तरफ चलते हैं, क्योंकि यहाँ अगर करेंगे तो बहुत ज़्यादा मैसी हो जाएगा। फ्रेंड्स, मिक्सचर को बॉटल में डालने के बाद हम बॉटल को अच्छे से हिला लेंगे ताकि जो मिक्सचर है वो बॉटल की सभी तरफ अच्छे से फैल जाए और आसानी से साफ़ हो सके। और इसे साफ़ करने के लिए मैं यहाँ ब्रश का यूज़ कर रही हूँ, और अगर आपके पास ब्रश नहीं है तो तब भी आप आसानी से इसे साफ़ कर सकते हैं। बर्तन धोने का जो स्पंज होता है आप उसकी हेल्प से भी इसे आसानी से साफ़ कर सकते हैं। अभी मैं थोड़ा सा इसमें साबुन का यूज़ करूँगी, जो बर्तन धोने वाला साबुन होता है उसे थोड़ा सा ले के बॉटल के अंदर लगाएंगे। अच्छे से साबुन को बॉटल पे लगा लेंगे और ढक्कन बंद करके बॉटल को अच्छे से हिला देंगे ताकि पानी के साथ साबुन भी अच्छे से घुल जाए। अब मैं ब्रश की हेल्प से इसे अंदर से अच्छे से साफ करूंगी। ब्रश की हेल्प से 2-3 मिनट तक मैं इसे साफ करूंगी और उसके बाद जो बर्तन मांजने का स्पंज होता है उससे भी अच्छे से साफ कर लूंगी। फ्रेंड्स, बॉटल के अंदर बहुत सारी गंदगी थी और जो हमने ब्रश और स्पंज से अंदर साफ़ किया है तो वो सारी गंदगी साफ़ हो गई है। और ये सारी गंदगी मैं आपको दिखाती हूँ कटोरी में निकाल के। देखिए फ्रेंड, कितनी सारी गंदगी निकली है और ये जो बॉटल की दीवारों पे जो ग्रीन ग्रीन जमा हुआ था वही निकला है। स्पंज की हेल्प से हम बॉटल को एक बार और अच्छे से रगड़कर साफ़ कर लेंगे और बॉटल हमारी अंदर से अच्छे से साफ़ हो चुकी है। और इसे पानी से 5-6 बार हम अच्छे से धो लेंगे। तो फ्रेंड्स, बॉटल यहाँ बिल्कुल नई जैसी हो गई है, अंदर से एकदम साफ़ हो गई है, आप देख सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।